इस त्यौहार को बनाना हो कुछ स्पेशल तो आज की यह रेसिपी आपके लिए है खास, जिसमें हम बहुत ही लाजवाब सॉफ्ट एवं क्रिस्पी नमकीन की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बिल्कुल यूनिक है और जो न मैदे से बनी है, न सूजी से बनी है, न बेसन से बनी है, न आटे से बनी है, न साबुदाने से बनी है, न चावल से बनी है। तो किससे बनी है यह जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए जनाब, और आज की रेसिपी प्यार मोहब्बत के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। सॉफ्ट और क्रिस्पी नमकीन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक भगोने में एक कप और चौथाई कप पानी डाल देंगे और उसी में ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून नमक का यूज़ किया है और साथ में 2 टेबलस्पून खाने वाला तेल ऐड करके हल्का सा चम्मच चलाते हुए मिक्सअप कर लेंगे। अब मैं आपको वह खास चीज़ दिखाऊंगी जिसे हम आज की रेसिपी में यूज़ करेंगे। यह है 1 कप मूंग दाल, वज़न में 250 ग्राम या 1 पाव, जिसे मैंने हल्का सा धोकर सारी गंदगी निकाल दी, फिर धूप में 1 से 2 घंटे तक छोड़ करके उसको सुखा लिया था, फिर मिक्सी में पीसकर हल्का दानेदार पाउडर बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप मूंग दाल से सॉफ्ट एवं क्रिस्पी नमकीन की यह रेसिपी बना करके देखें, आप मैदा, बेसन, सूजी, आटा सब भूल जाएंगे। अब पानी वाले भगोने को गैस में रख करके एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे और जैसे ही एक उबाल आता है उसमें मूंग दाल के पाउडर को डाल देंगे और गैस की आँच को बंद कर देंगे। अब चम्मच चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसे ढककर छोड़ेंगे तो यह अपनी ही भाप में पक जाएगा और थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा। आगे के प्रोसेस की तैयारी के लिए एक परात में पतली किसनी की सहायता से 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। हमने आलूओं को कद्दूकस भी कर लिया है। अब हम इसमें जो ढक कर के रखे थे ना मूँग दाल का आटा, उसको भी डाल देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए यह अपनी भाप में बहुत अच्छे से पक भी गया है और ये थोड़ा सा नॉर्मल भी हो गया है। इतना नॉर्मल हो गया है कि हम इसे अपने हाथ से छू करके हम इसको गूँथ सकते हैं। तो इनको अच्छे से, इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए गूँथ लेंगे। आटा गूँथ कर रेडी हो गया है और हमारा आटा एकदम परफेक्ट गूँथ करके रेडी हुआ है, वो आपको आगे पता चलेगा। इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। अब आप जिस भी सांचे में नमकीन बनाते हैं, मुरको बनाते हैं, उस सांचे को ऑयलिंग कर लेंगे और मुरको बनाने के लिए आप पतली छन्नी वाले या फिर मोटी छन्नी वाले, दोनों में से किसी भी एक छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयलिंग करके छन्नी को सांचे के अंदर डाल देंगे और गूथे हुए आटे में से लोई बना करके उसको भी सांचे के अंदर डाल देंगे और सांचे को बंद कर देंगे। हमारा सांचा नमकीन बनाने के लिए तैयार हो गया है। इधर तेल मीडियम आँच पर गर्म हो गया है। अब सांचे को कढ़ाई से निश्चित दूरी पर रखकर इस प्रकार से गोल गोल घुमाते हुए नमकीन को डाल देंगे। एक बार में कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नमकीन ना डालें, अन्यथा उनमें गांठ आ जाएंगे। नमकीन को मीडियम आंच पर गर्म तेल में ही फ्राई करें। तेज़ आंच में फ्राई करने पर नमकीन का मुंह काला हो जाएगा, अर्थात नमकीन जल जाएगा। मीडियम आंच पर ही अल्टी पल्टी करके नमकीन को लाइट गोल्डन फ्राई करके टिश्यू पेपर वाले प्लेट में निकाल लें और इसी प्रकार से सारी नमकीन तैयार कर लें। जब सारे नमकीन फ्राई हो जाएं तो आगे के प्रोसेस के लिए मुट्ठी भर कड़ी पत्ता को धोकर छांव में सुखा लें और इस प्रकार से फ्राई करके निकाल लें। इस तरह से फ्राई करने से कड़ी पत्ता का मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एक पैन में 1/2 से 1 कप मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो मखाने को तेल में भी हल्का फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तक का सारा काम तेल में ही किया है, इसीलिए हमने मखाने को ड्राई रोस्ट किया है। मखाने को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून पॉपी सीड या खसखस डाल देंगे। इससे नमकीन का स्वाद बहुत सौंधा लगता है और आप चाहें तो ड्राई नारियल के स्लाइस भी डाल सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद उसी पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम को हल्के आंच पे भून लेंगे। उसी पैन में 1/2 कप फली दाना डाल करके इनको भी रोस्ट कर लेंगे। इन तीनों को भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। सॉफ्ट एवं क्रिस्पी नमकीन को अंतिम रूप देने से पहले आप देख लीजिए कितना बेहतरीन और लाजवाब सेव बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेव को आप एक बार बनाकर एयरटाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इस नमकीन सेव में 4 चांद लगाने के लिए फ्राई किए हुए सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद ऊपर से अपनी स्वादानुसार चाट मसाला एवं पिसी हुई शक्कर डालकर सॉफ्ट एवं क्रिस्पी नमकीन का आनंद एक अनूठे तरीके से लें। इस त्यौहार को स्पेशल बनाने के लिए मूंग दाल के नमकीन की यह रेसिपी मेरे द्वारा बताए गए खास तरीके से अवश्य बनाएं और इस त्यौहार का आनंद लें।
इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ब्यूट दहेज चैनल को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए घंटी जैसी आकृति को टन से बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप घर में बनाए हुए हेल्दी कलाकंद और नारियल के लड्डू की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में यहाँ पर क्लिक कर लें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।